वेलकम बैक टू जागो लाहौर जनाब। और अब का टॉपिक आप सबके लिए भी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि इस सेगमेंट में आप भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं हमारे शो में। और आज जिन्होंने हमें ज्वाइन किया है, पहले भी कई बार हमारे शो का हिस्सा बन चुके हैं, डॉक्टर मोहम्मद अली ने हमें ज्वाइन किया है। और ये आपसे सिर्फ आपकी बेसिक डिटेल्स मांगेंगे, और अगर आप इनसे कोई सवाल करना चाहते हैं तो आप इनको कॉल कर सकते हैं, हमारा नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर होगा। और जनाब आज हम इनसे जो बात करेंगे वो कलर एंड फ्रेग्रेंस जो थेरेपी है उस हवाले से बात करेंगे। वेलकम टू द शो डॉक्टर मोहम्मद अली, थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब। आज हम थोड़ी डिफरेंट चीज पे बात करेंगे, क्योंकि ये थेरेपीज हैं कलर्स के जरिए, फ्रेग्रेंसेस के जरिए, बेसिकली है क्या? देखिए जी, रंग और खुशबू है, और इसमें ऐसे है कि एट टाइम्स इस वक्त हम ऐसे कुछ हमारे पास पेशेंट्स आते हैं कि कुरान से हम उनका इलाज नहीं कर सकते, नॉन मुस्लिम्स हैं, तो उसके लिए फिर हमने करना तो कुरान से ही होता है, बट वी डोंट नीड टू टेल देम कि हम ये करें। होता ये कि रंग और खुशबू जो है उससे हम उनकी ट्रीटमेंट करते हैं। मैं एक एग्जांपल आपको शॉर्टली दे देता हूँ। मैं स्वीडन में था जहाँ पे मैं पढ़ा रहा था, तो मेरी एक कुलीग थी जर्मन, तो उनकी बहन आई हुई थी उनको विजिट करने के लिए, और मैं अपनी यूनिवर्सिटी का जो है मतलब अपनी जो सब्जेक्ट है वो भी पढ़ा रहा था, और साथ जो स्टूडेंट्स हैं उनकी साइकोलॉजी का मसला, वहाँ पे डिप्रेशन बहुत ज़्यादा होता है, तो मैं उनको उस चीज़ को भी देखता था। तो वो मेरी कुलीग ने मुझे बोला, लियोना उनका नाम था, तो उन्होंने बोला कि मेरी बहन आई हुई है और 8 दिन से उनका सर का दर्द ख़त्म नहीं हो रहा। तो मैंने कहा ठीक है, आई वुड लाइक टू विजिट योर सिस्टर। तो उसने कहा कि मैं, अगर आप मेरे घर आ जाएँ, मैं मतलब जाता नहीं था, मगर ये कि उसने कहा आप मेरे घर आएँ, घर उसके गए, तो वहाँ पर मैंने देखा कि उसकी जो बहन है उसे, आई आस्क्ड हर, कहने लगी कि आई वेंट टू द डॉक्टर्स, आई वेंट टू द हॉस्पिटल, मगर मैं ठीक नहीं हुई। वो दवाई भी दी है उन्होंने, हालांकि वहाँ पे जो प्रॉब्लम है वो बड़ी जल्दी सॉर्ट आउट हो जाती है, मेडिकल की फैसिलिटीज बहुत अच्छी है वहाँ पे। बहरहाल वो मैंने अपने अपनी मतलब अपनी जो हॉरोस्कोप थी, अपनी सॉरी क्लेडोस्कोप, उससे मैंने उसको देखा, तो मुझे ये नज़र आया कि कलर्स जो हैं, उसका नाम पूछा और उसकी डेट ऑफ बर्थ पूछी, कलर्स उसकी जो उस मतलब उसकी सराउंडिंग में थे वो उससे मैच नहीं कर रहे थे, एंड दोज वर द रीजंस फॉर हर प्रोलॉन्ग हेडेक। अच्छा, मैंने उसको ये किया कि एक ग्रीन कलर का रोब पड़ा हुआ था उसके कुर्सी पे, तो वो येलो कलर का जो रोब, वो जो उसने कवर लिया था, वो उतारा मैंने कुछ मतलब पढ़ा है अल्लाह ताला का नाम लेके मैंने उसको दिया है, और मैंने उसको कहा कि आपने मुझे 5 मिनट के बाद जो है वो बताना है। अच्छा, अब वो अल्लाह ताला की कलाम है और वो रंग है, तो मेरे ख्याल को 10-15 मिनट के बाद शी वाज ओके, एंड दे वर मोर देन सरप्राइज कि ये क्या है, तो मतलब आई न्यू कि व्हाट इट वाज। सिर्फ ये है कि कलर जिस वक्त आपके ऑरा और आपके सर्कमस्टेंसेस के साथ मैच नहीं कर रहे होते, तो एट टाइम्स आपकी जो फेट है, आपकी हेल्थ है, आपके मैटर्स जो हैं वो खराब हो जाते हैं। सिर्फ आपने थोड़ा सा सिस्टम जो है उसको चेंज करना होता है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये कलर्स जो होते हैं कि हर पर्सनालिटी या हर बंदे के साथ कुछ मैच कर रहे होते हैं, क्या मामला होता है कि किस तरह से हम एसोसिएट करते हैं कलर्स को? बहुत अच्छा सवाल। देखें, 7 प्लैनेट्स हैं, ठीक है, 7 प्लैनेट्स के कलर्स डिफरेंट हैं। सबसे टॉप के ऊपर जो है वो सैटर्न है। सैटर्न जो है उसका कलर है रेड, ठीक है जी। उसके बाद मार्स आ जाता है, जुपिटर आ जाता है, फिर मार्स आ जाता है, इस तरह से हर प्लैनेट का जो कलर है वो डिफरेंट है। अब हर बंदा रिलेट कर रहा होता है अपने जोडियक साइन के रेफरेंस से एक प्लैनेट के साथ, ठीक है। कई दफा वो प्लैनेट अगर रेट्रोग्रेड में है, अगर वो बैक उल्टी चाल में है, तो वो कलर उसके साथ सूट नहीं करेगा, उसका फिर अल्टरनेटिव काउंटर जो है वो देना होता है, ठीक हो गया। तो उसे, और फिर दूसरा खुशबू जो है वो भी हर सितारे और हर सैयारे के लिए अलहदा होती है। अच्छा, ठीक है। अब खुशबू का अमल दखल जो है वो ये है कि आप खुशबू इस्तेमाल करते हैं, साथ आप अल्लाह पाक की कलाम को पढ़ रहे होते हैं, तो जो मोकिलात हैं, फरिश्ते हैं, जो खादिम हैं इन आयतों के ऊपर, अल्लाह ताला ने जिनकी ड्यूटी लगाई हुई है, तो वो खुशबुओं से अट्रैक्ट होते हैं। इसीलिए आपने सुना होगा कि बचपन में बच्चों को हमें जब तक परफ्यूम नहीं लगाते, परियां पकड़ लेंगी, चुड़ैल पकड़ लेगी, इस तरह की बात होती थी। बिल्कुल। तो सम हाउ और दी अदर इसका मतलब यही है कि ये जो चीजें हैं ये अट्रैक्ट होती हैं खुशबू पे। इसी तरह से हम जब कुछ पढ़ते हैं तो उसको ज्यादा इफेक्ट देने के लिए, ज्यादा इफेक्टिव करने के लिए, अगर हम
स्टार के हिसाब से खुशबू इस्तेमाल करें, स्टार के हिसाब से रंग पहन के अल्लाह की वो एक स्पेसिफिक कलाम जो नाम और वालदा के नाम और डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से आती है वो पढ़ते हैं अपने एक पर्टिकुलर मकसद के लिए, तो उसके अंदर बहुत ज़्यादा कामयाबी होती है क्योंकि एक प्रोटोकॉल है जिसको आप फॉलो कर रहे हैं और वो प्रोटोकॉल आप जो फॉलो करते हैं तो आपको सक्सेस मिलती है। अच्छा, यहाँ पर तो इतनी कलर्स और फ्रेग्रेंसेस के हवाले से अवेयरनेस नहीं है लोगों को, क्योंकि किसी को मुझे नहीं पता या बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा कि उनके जोडिक साइन के साथ किस तरह का कलर एसोसिएटेड है या उनका जो स्टार है उसमें किस तरह का उनको फ्रेग्रेंस सूट करी है, तो उसके लिए तो हमेशा गाइडेंस चाहिए होती है। और पाकिस्तान में अगर मैं स्पेसिफिकली इस कॉन्टेंट की तो इतनी ज्यादा अवेयरनेस भी नहीं है लोगों को। आप बिल्कुल ठीक फरमा रही हैं। बात यह है ये जागो लाहौर आपका जो शो है और लाहौर न्यूज, ये एक बड़ा अच्छा मतलब आप लोगों ने प्लेटफॉर्म दिया हुआ है लोगों को, चीज़ें आप बड़े अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। हमने पहले भी जो शोज किए उसमें भी हमने रंग जो कॉफी वाला किया था उसका हमें फीडबैक बहुत अच्छा मिला था। अच्छा। क्योंकि वो एक नई चीज थी। बिल्कुल, तो इसी तरह से जिस तरह से आप हैं इसी तरह से अगर और लोग जो हैं इस एंडेवर में आते हैं तो हमारी जो कौम है इस वक्त इर्तका के अमल में है, इवॉल्व होने जा रही है। एक नई चीज जो है पाकिस्तान में है, आप देख लीजिए गवर्नमेंट नई है, सिस्टम नए हैं, लोग रिएक्ट भी कर रहे हैं, लोग इसको अप्रिशिएट भी कर रहे हैं, तो हम लोग इस वक्त इट इज द राइट टाइम टू एजुकेट पीपल इन दीज थिंग्स एज वेल। हम बच्चों को बड़ों को जो एक टिपिकल माइंडसेट बन चुका हुआ ना कि बाबों के पास जाना है, इधर जाना है, उधर जाना है, टिपिकल से एक एसोसिएट कर दी गई ना टर्म की, ये तो हम परस्ती के उसमें आ जाती है। ये साइंस है, इट्स अ साइंस, एरोमेटिक साइंस है। फिर आपका जो ये है हॉरोस्कोप वाला, ये भी साइंस है, ये तो बाहर पढ़ाया जाता है ना, फ्रांस में, जर्मनी में, मैंने खुद जो कोर्सेज किए हैं वो जर्मनी से किए हैं इसी के अंदर। ठीक हो गया। तो ये है कि हमें एजुकेट करना है तो लोगों को पता चल जाएगा। हम लोग जो हैं वो इकबाल ने कहा है ना, जरा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी जरखेज़। ठीक है, तो ये वही है कि हमें थोड़ा सा काम करना है। एक कॉलर ले लेते हैं, मायरा है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम अरमला, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। मायरा क्या पूछना चाहेंगी? मैं डॉक्टर अली से पूछना चाह रही हूँ, मेरा एक सवाल है कि मेरे चचा साथ भाई हैं, उनकी शादी के लिए वो लोग बहुत परेशान हैं। ठीक है, तो उनकी शादी कब होगी ये पूछना। ठीक हो गया। नाम और उनकी डेट ऑफ बर्थ चाहिए होगी हमें। और डेट ऑफ बर्थ है 27 जुलाई 1994। ठीक है, और नाम है शहरयार। शहरयार उनकी वालदा का नाम। उनकी वालदा का नाम क्या है? सुल्ताना। सुल्ताना, ठीक हो गया। प्रॉब्लम क्या है इनकी? आज शादी के लिए कोशिश कर रहे हैं, शादी नहीं हो रही। नहीं हो रही, ठीक हो गया। मायरा थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। जी रख साहब। अच्छा, अब यहाँ पे देखें, ये है 27 जुलाई। जी ठीक है, ये लियो हैं। ठीक है, अब इसके अंदर इस वक्त जो प्रॉब्लम है सिवाय जुपिटर के बाकी सारे प्लैनेट्स जो है ना वो डावांडोल हुए हैं ये साल इस तरह का, क्योंकि ये जुपिटर का साल है। ठीक है, अब होना क्या चाहिए कि जितने भी कमज़ोर प्लैनेट्स हैं वो थोड़े से स्ट्रॉन्ग प्लैनेट के साथ अटैच होंगे तो चीज़ें बेहतर होंगी। अब लियो जो है अगर कंपेयर अपना करते हैं ना, कोई काम कर रहा है, अब इनको चाहिए कि ये कोई ऐसी लड़की तलाश करें इस वक्त जिसका प्लैनेट जो है वो जुपिटर हो, तो फॉरेन कनेक्टिविटी होती है। ठीक है, ठीक है, अच्छा, और शादी भी ठीक चलती है। दूसरा ये है कि लियो हैं, 27 जुलाई हैं, इनके लिए ऊद की खुशबू जो है, ऊद की खुशबू जो है, जुमेरात का दिन, ठीक है, फजर के बाद, ये अल्लाह ताला का एक इस्म है, पाक नाम है, या जामे, इसको 1000 दफा अगर पढ़ते हैं, ठीक है, फजर की नमाज के बाद, ठीक है, 1000 बार इसको पढ़ें, और उसके बाद 1.5-2 माह तक ये करें, उसके बाद ये कोशिश करें तो फिर अल्लाह ताला जो है ना वो रहमत करेगा इंशाल्लाह। जबरदस्त जबरदस्त। एक कॉलर है जी, माशा थुमेरा, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम अरमिला, क्या हाल है आपके? मैं ठीक हूँ, मेरा आप कैसी हैं? जी मैं भी खैरियत से हूँ। और अली साहब आए हुए, इनको बुलाते रहा करें, बहुत अच्छा लगता है हमें जब ये आती है। जबरदस्त जी, हमेरा कुछ सवाल करना चाहेंगी डॉक्टर साहब? जी अपनी शादी का मालूम करना चाहूंगी कि ये कब तक हो जाएगी, कैसी रहेगी। ठीक हो गया। अपना नाम, अपनी मदर का नाम और डेट ऑफ बर्थ। आपका नाम हमेरा, मदर का नाम बता दे। माँ का नाम है हमीदा और 5/4/1984 को मैं पैदा हुई हूँ, रात 8:15 बजे सही वाल में। सही वाल, बिल्कुल ठीक हो गया। मेरा अभी आपको जवाब लेते हैं। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। इनका क्या है क्वेश्चन? इनका शादी के हवाले से कि कब होगी और कैसी चलेगी इनकी शादी। 5/4/1984, बिल्कुल शादी का इनका जो है ना वो चला है।
सिलसिला पहले वो ख़त्म हुआ है। अच्छा। उसके बाद थोड़ी ब्रेक आई है, अब परेशानी का दौर है, मतलब उसमें रुकावट है उस चीज़ में। तो उसके लिए इनको मैं यही सजेस्ट करूँगा कि जुमे वाले दिन कोशिश करें कि ग्रीन कलर के कपड़े पहना करें, लाइट ग्रीन पहन लें, ग्रीन की कोई भी फॉर्म हो ठीक है, कोई भी हो सकती है जुमे वाले दिन, ठीक है। और उसके बाद नमाज जो है वो तो उसकी पाबंदी बहुत जरूरी है, ठीक है। पांचों नमाजें, हर नमाज के बाद दुरूद खिजरी एक है, वो इंटरनेट पे भी मिल जाएगा, ठीक है। वो तीन तीन बार हर नमाज के साथ पढ़नी है, 21 दिन लगातार पढ़े, 21 दिन लगातार खिजरी। और अंबर जो है, अंबर, अंबर की खुशबू जो है वो जुमे वाले दिन लगाएं, ग्रीन कपड़े पहने और अंबर की खुशबू। हाँ, और हर नमाज के साथ जो है वो दुरूद खिजरी तीन तीन दफ़ा जो है वो पढ़ें 21 दिन। उसके बाद खबर आनी शुरू होगी, चीज़ें जो हैं वो मूव करना शुरू होंगी इनके हक में बेहतरी की तरफ इंशाल्लाह। ठीक हो गया, जबरदस्त। हमारे से नेक्स्ट कॉलर है जी, परवीन मसूद साहब, अस्सलाम वालेकुम। सलाम रुमला, कैसी हैं? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं भी ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। ये मैंने डॉक्टर से बात करनी थी। जी जी, जरूर करें। मैंने ना वो अपनी बच्ची के बारे में बात करनी थी, उसका नाम है जरिश। जरिश, ठीक है। उसका रिश्ते की बातचीत हो रही है मुबीन से, तो कोई वो समझ नहीं आ रही करें या ना करें, तो ये कैसा रहेगा और इनके लिए कलर वगैरह या स्टोन क्या होने चाहिए? अच्छा, डेट ऑफ बर्थ बता दें उस बच्ची की। डेट ऑफ बर्थ है, कल उसकी बर्थडे थी, 21 फरवरी। और सन क्या है उसका? यो सन 22 साल की हो गई है। कितने साल की हुई है? 22 साल की, 22 अच्छा ठीक हो गया। मैं बहुत परेशान हूँ, मैं बहुत परेशान। अच्छा, आपकी बेटी है तो आपका नाम परवीन मसूद है, ठीक हो गया। मैं अभी जवाब लेती हूँ, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग परवीन मसूद साहिबा। जी डॉक्टर, बच्ची का जो नाम है ना, जरिश, वो डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से मैच नहीं कर रहा, पहली चीज ये, ठीक है। ठीक है, जे रे शीन चार नुक्ते हैं इसके अंदर, ठीक है। नुक्ते जो हैं इनकी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से, नाम जो है वो भारी हो गया और जो डेट ऑफ बर्थ है वो पीछे रह गई है, एक तो ये चीज है। अब इस चीज को, अब ये तो हो गया, डॉक्यूमेंटेशन भी होगी, सब कुछ हो गया होगा, अब इसको कवर करना है हमने, इसको ठीक करना है। इसका तरीका ये है कि बच्ची जो है वो तीन बार सूरह इखलास हर नमाज के बाद जो है, नमाज की पाबंदी और सूरह इखलास जो है हर नमाज के बाद अव्वल आखिर 21-21 मरतबा दुरूद शरीफ के साथ अगर पढ़ती है, और गुलाब का इतर जो है वो अगर वो यूज़ कर लिया करे हफ्ते में 2-3 दफ़ा नमाजों के दौरान, ठीक है। ये चीज़, और रहेगी शादी की बात तो पहले ये देख लें कि मुबीन नामी लड़के, हाँ मुबीन, अब मुबीन की अम्मी का नाम तो मुझे नहीं, हाँ, पता, नहीं पता। इनसे मैं इस बच्ची से चेक करके बता देता हूँ जरिश से कि अभी फ़िलहाल ये ठहर जाए, अभी ठहर जाए। रीज़न उसका यह है कि बच्ची का जो टाइम है, पोजिशन है स्टार की, वो ठीक नहीं है, वो स्टेबल हो जाए, वो स्टेबल है, स्टेबल होना जरूरी है। और बच्ची जो है वो इस तरफ आए, थोड़ा सा नमाज नमाज वगैरह की तरफ आए, बच्ची खुद भी ज़हनी तौर पे जो है वो स्टेबल नहीं है। ठीक हो गया, ठीक हो गया। उम्मीद है परवीन मुस्लिम साहिबा को जवाब मिल गया होगा। अच्छा जनाब, उमेर हमारे साथ कॉलर है, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, वालेकुम सलाम। जी उमेर साहब, क्या पूछना चाहेंगे? अरमला बहन, वो ना मैं उमेर बात कर रहा हूँ लाहौर से। जी जी। तो मेरा ना एक लड़की है अमारा, उसका तीन साल से अफेयर है, ठीक है। लेकिन कभी लड़ाइयाँ होती हैं, कभी कुछ होता है। अब मैं ये मालूम करना चाह रहा हूँ उसके साथ, यह वाकई हो जाएगा रिश्ता हमारा के नहीं? घर वालों को भी पता, उसके घर वालों को पता, बात भी हुई है तकरीबन। इसका उमेर, अपनी अपनी वालदा का नाम बताए। उमेर, फातिमा बेगम। और डेट ऑफ बर्थ आपकी क्या है? मेरी डेट ऑफ बर्थ 2 अगस्त 2001, ठीक है, 2 अगस्त 2001। बच्ची का नाम हमारा पता है, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग उमेर, बहुत शुक्रिया आपके कॉल करने का। ये जो है ना, ये ठीक नहीं है काम, ठीक नहीं है। इनको चाहिए कि ये दे शुड पार्ट देयर वेज, बिकॉज़ अगर जबरदस्ती करके ये कर भी लेंगे, हाँ, तो 2-4-6 महीने के बाद ये खत्म हो जाएगी चीज। अच्छा। हाँ, तो इससे बेहतर है कि ये साइड पे, और वैसे भी ये जो चीज है ना, हम मुसलमान हैं अल्हम्दुलिल्लाह, इन चीजों पे हमें देखना चाहिए अफेयर्स और ये चीजें। हाँ,
ये थोड़ी जब तक फैमिलीज और इन्वॉल्वमेंट हो जाए तो ये चीजें फैमिली जब हो जाती है वो दैट बिकम्स अ फैमिली अफेयर। फैमिली अफेयर ये जो चीज है ना दिस इज नॉट करेक्ट। इसमें कभी भी मेरे ख्याल से एज भी इनकी बहुत छोटी इस इन कामों में बरकत भी कोई नहीं होती है, इन कामों में रहमत भी कोई नहीं होती है, फायदा इसका कोई नहीं होता है। बेहतर ये है बेटे आप इसको छोड़ दें, आप जो है ना अपनी नमाजों की पाबंदी करें, आप दुरूद शरीफ पढ़ा करें और इन चीजों की तरफ से हट जाएं। ठीक हो गया। नेक्स्ट कॉलर जी हमारे साथ नासिर सुल्तान साहब, अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। नासिर सुल्तान साहब क्या पूछना चाहेंगे? नेम है मेरा कंप्लीट नासिर सुल्तान मलिक। ठीक है। मदर नेम है बख्तावर। बख्तावर ठीक है। और डेट ऑफ बर्थ है 20th November 1986। ठीक हो गया। क्या पूछना क्या चाह रहे हैं आप? पूछना मैं ये चाह रहा हूँ कि आई वॉज वर्किंग एज ए ऑपरेशन मैनेजर इन ए कमर्शियल बैंक सिंस 2009 आफ्टर कम्प्लीशन ऑफ माई मास्टर्स। ठीक हो गया। सो ड्यू टू एन एक्सीडेंट इन 2015 आई स्पेंट अबाउट वन ईयर लाइंग ऑन बेड। ठीक है। उसके बाद से जब मैं मेडिकली फिट हुआ एंड मैं रीअप्लाई करने गया तो मेरी मैनेजमेंट से मुझे पता चला कि देर इज रिस्ट्रिक्शन ऑफ 4 years वंस some resigns he or she have to wait till 4 years। ठीक हो गया। तो अब मैंने other than जिस बैंक में मैं जॉब कर रहा था other than 2 banks हैं जहाँ पे मैंने अप्लाई किया था और मेरे सभी प्रोसेस कंप्लीट हो चुके हुए, इंटरव्यूज मेरे टेस्ट वगैरह फिजिकल टेस्ट। क्योंकि वापस वक्त की किल्लत है, अब जल्दी से अपना सवाल बता सिर्फ ये अब अभी ये पूछना चाह रहा हूँ कि मुझे अभी जब भी मैं उनसे कंफर्म करता हूँ तो मुझे यही बताया जाता है कल लेटर आपके आ जाएगा, परसों आ जाएगा, 2 दिन बाद आ जाएगा। आपकी नौकरी में मसाइल हैं। ठीक हो गया। बहुत शुक्रिया आपके कॉल करने का, हम अभी आपको जवाब दे देते हैं। इनके लिए बेहतरीन हल है जी दुरूद मुस्तगास, ये नोट कर लें, दुरूद मुस्तगास, दुरूद मुस्तगास। और इस ये खास तौर पे दुरूद जो है ओदे से माजूल हो जाते हैं लोग, दोबारा उनको ठीक करने के लिए, उसके बाद बेरोजगारों के लिए, ठीक है। मगर इनके नाम के हिसाब से जो चीज़ आ रही है वो यही है, प्लस ये है नमाज जिस तरीके से भी ये पढ़ सकें पढ़ लें, बीमार हैं, बेड रिडन हैं या जिस तरह से भी है, बट ही शुड मतलब अपनी नमाज को जो है ना इसको कायम करें। और दूसरा दुरूद मुस्तगास जो है इसको डेली पढ़ें, इसको डेली पढ़ें। थोड़ा सा लंबा है ये दुरूद, 15-16 सफ़ों का दुरूद है, मगर इनके लिए ये ज़रूरी है, ये कम अज़ कम इसको 1 से 1.5 माह पढ़ें। उसके बाद जो इनके पेंडिंग मैटर्स हैं, जो इनकी सेहत के इशूज़ हैं, जो भी हैं वो भी अल्लाह ठीक करेगा, रोजगार के मामला भी इंशाल्लाह अल्लाह पाक अपनी रहमत से ठीक करेगा, इसको रोज पढ़ेंगे। जबरदस्त। डॉक्टर साहब कोई मैसेज आज के शो के हवाले से, टॉपिक के हवाले से, पब्लिक अवेयरनेस के लिए जवाब देना चाहिए? अल्लाह करीम ने कोई चीज जो है वो हिकमत से खाली नहीं बनाई, वो इंसान के लिए ही है और इंसान के लिए वो मुसख्खर कर दी गई है, खा वो सितारे हैं, सियारे हैं, इंसान अशरफुल मखलूकात है, और खा वो रंग हैं, खुशबुएं हैं, रोशनियां हैं, सब इंसान के ताबे हैं। तो हमें इनसे काम लेना चाहिए और हमें जानना चाहिए, वी शुड नो, जिस तरह किसी फलसफी ने भी कहा नो दाय सेल्फ, पहले अपने आप को पहचान लें। अपने आप को पहचानेंगे तो बहुत सारी चीज़ों की पहचान आपको कुदरत की तरफ से हो जाएगी, कुदरत ने क्या किया है। तो अल्लाह करीम पे अपना बिलीफ, अल्लाह करीम पे अपनी उम्मीद मत रखें कभी, अल्लाह करीम पे हमेशा यकीन रखिए। उम्मीद होती है इंसानों पे, मे बी और मे नॉट बी, यकीन होता है परफेक्ट और वो सिर्फ अल्लाह की जात है जिस पे रखना चाहिए। दिस इज माय मैसेज। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके आने का। जनाब आज हमने जो डिस्कशन की है उसका पर्पस यही था कि अवेयरनेस दी जाए कलर्स ऑफ प्रेगनेंसीज के थ्रू, और ये लॉजिकल और बेसिकली ये साइंस है जिसके साथ अल्लाह के कलाम को शामिल किया जाता है, बहुत सारी चीजों को ट्रीट भी किया जाता है। आपसे हम इजाजत लेंगे इंशाल्लाह, आपसे हमारी मुलाकात होगी कल। फीडबैक के लिए हमारा फेसबुक पेज है जागो लाहौर के नाम से, आप वहां जाकर हमें फीडबैक से आगाह कर सकते हैं। कल तक के लिए हमारी तरफ से अल्लाह हाफिज़।